बैठिए आप माननीय सदस्य आप राजे माननीय सभापति महोदय, ये जूली साहब ने हमारी बैंड बजाई कि नहीं बजाई वो तो पता नहीं, पर डोटासराज ने जूली साहब की जरूर बैंड बजा रखी है। माननीय सभापति महोदय, आज मुझे राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 पर बोलने का जो मौका दिया, भारत के संविधान के निर्माता संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा ने संविधान लागू किया उसमें मूल रूप से भारत के नागरिकों के अधिकार और उन अधिकारों को किसी भी तरह से कहीं भी कुचला न जाए इसको ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था रखी, क्योंकि हमारे देश के नागरिक सदियों से गुलामी की वेदना झेल रहे थे और यह सर्वविदित है कि सरकार लोक कल्याणकारी नीतियों की भावनाओं से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करेगी, ऐसा संविधान में निहित है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रदेश में भी 2000 वर्ष में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया और उस दिन से अभी तक समय समय पर इस आयोग में व्यवस्थाओं के हिसाब से सदस्य अध्यक्ष परिवर्तित होते हैं और वो जो जन समस्याएं और जो उनको मानव अधिकार आयोग को आवेदन करता है उनकी जांच पड़ताल कर उसकी जो भी रिपोर्ट होती है वो देते हैं और उसमें जो भी एक्शन लेना होता है उस कार्य के लिए वो करते हैं। पर पिछले 5 वर्ष में 2019 से लेके 2023 तक की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और माननीय सदस्य मेरे पूर्व हरिमोहन जी जब इसका उल्लेख कर रहे थे तो उन्होंने सबसे बड़ी जो सूची बताई और जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जिस विषय में आई हुई है वो आई हुई है पुलिस और प्रशासन के जनता के ऊपर जो दमन है उसके लिए। चूँकि हम सब ने पिछले 5 वर्ष के अंदर जो शासन व्यवस्था थी और उस शासन व्यवस्था के अंदर जिस तरह से हमने मानव अधिकारों का हनन देखा, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के जुलूस आयोजन में डीजे को बंद कराना हो, जुलूस निकालने के ऊपर प्रतिबंध हो, कितने संख्या में लोग जाएंगे कितने लोग जाएंगे यह भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा डरा धमका कर उन लोगों के बीच में इस तरह से प्रभाव डालने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर नागरिकों के इस तरह के मानव के अधिकारों का और उनके धार्मिक अधिकारों का हनन होते हुए हमने कभी नहीं देखा कि डीजे कौन सा बजेगा, उसमें भजन कौन सा बजेगा, कितने लोग जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, 20 लोग जाएंगे 40 लोग जाएंगे वो भी सरकार तय करेगी। और इस तरह जो अधिकारों का एक हनन हुआ है वो पिछले सरकार के समय 2019 से लेकर 23 तक ही हमने देखा है। और इस पूरे प्रतिवेदन के अंदर एक भी शब्द और जितने तथ्यात्मक रिपोर्ट और केस इसमें प्रतिवेदन में दिए गए हैं उस बारे में एक भी शब्द उस बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का उल्लेख है कि हमने किस किस विषय के ऊपर कितने कितने महिलाओं के ऊपर, बाल अत्याचार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कहाँ कहाँ कितने केस दर्ज हुए और कितने केसों का निपटारा हुआ। मैं मानता हूँ कि मानव अधिकार आयोग की संरचना उनका कार्य उल्लेखनीय है, पर 11,000 से अधिक केस आज भी लंबित हैं, उन पर कोई सुनवाई होकर उनके ऊपर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया हुआ है। और मैं उस जोधपुर से आता हूँ जहाँ 2 वर्ष पूर्व जब दंगे हुए थे
तब मानव अधिकारों का नंगा नाच और पुलिस का नंगा नाच हमने सहन किया और देखा भी है। आदरणीय गर्ग साहब उस समय जोधपुर भी पधारे थे और उनके सामने हमने निवेदन भी किया था, और जिस तरह से एक समाज विशेष की तरफ तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए जिस तरह मानव अधिकारों का हनन हुआ, हमने उसकी कंप्लेंट भी की थी, उसका भी कोई भी रिकॉर्ड इस प्रतिवेदन में दर्ज नहीं है। किस तरह के लोगों को झूठे केस में फंसाया गया, उन सब की सूचना होने के बाद में, और आयोग के खुद सदस्य भी वहाँ बता रहे थे उसका संज्ञान लेने के लिए, उसका भी इस प्रतिवेदन में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा प्रतिवेदन और जो 2023 की प्रतिवेदन रिपोर्ट इसमें लिखी गई है, ये एक तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार, क्योंकि ये सरकार केंद्र में उसी के साथ है जो इंडी गठबंधन है, और वही इंडी गठबंधन है जिसने स्वाति मालीवाल जैसे केस के अंदर अपनी जो चाल और चरित्र था वो पूरे देश और दुनिया के सामने आया था। मैं इस प्रतिवेदन में ऐसे तथ्यों को समावेश नहीं करने के लिए इस सदन से करूंगा एक गुजारिश करूंगा कि भविष्य में इस तरह के कोई भी तथ्य हो बिना छुपा के और सरकार के दबाव के बिना प्रतिवेदन में पेश किए जाएं। धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार।